सबसे मुश्किल काम होता है कि इंसान कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी अपने से जुड़े हर इंसान को याद रखे, उस याद से प्यार करे जिसने उसे जिंदगी के कड़वे और मीठे हर तरह के अनुभव दिए हैं। ऐसे ही एक इंसान है रतन टाटा। रतन टाटा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रतन टाटा सन 1951 से 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे, लेकिन 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने ग्रुप के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, लेकिन अभी भी वो टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। दिग्गज कारोबारी रतन टाटा 84 वर्ष के हो गए हैं। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। रतन टाटा की गिनती बड़े दानवीर और परोपकारियों में होती है। अगर उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा लगभग $1 बिलियन के मालिक हैं। वैसे रतन टाटा सिर्फ महंगी गाड़ियों का शौक नहीं रखते, बल्कि उन्हें हवा से उड़ान भरना भी पसंद है। रतन टाटा को फाइटर जेट काफी पसंद है। उनके पास पायलट का लाइसेंस भी है। रतन टाटा हमेशा से शिक्षा, मेडिसिन और ग्रामीण विकास के सपोर्टर रहे हैं और उन्हें देश के दिग्गज दानवीरों में गिना जाता है। वे ट्रेड और इंडस्ट्री के प्रधानमंत्री की काउंसिल के सदस्य भी हैं। वे इसके अलावा कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कंपनियों और संस्थानों के बोर्ड और ट्रस्टीज में भी शामिल हैं। रतन टाटा को साल 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण मिला था।